सतवास के सत्य साई स्कूल में नीति आयोग के अंतर्गत अटल लैब का शुभारंभ शनिवार को किया गया, जहां पर शुभारंभ अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपी किशन व्यास ने कहा कि अटल लैब के उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कर विद्यार्थी प्रतिभावान बन सकेंगे। और व्यास ने सत्य साई स्कूल प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान स्वागत उद्बोधन देते हुए अमित कुंडल ने अटल लैब के संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर दीपक शर्मा, संजय श्रीवास्तव, सुंदरलाल पाल, बीआरसी, देवीलाल जाट, सतवास संकुल प्राचार्य राजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार हरिओम तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर सत्य साई स्कूल संचालित ऋचा कुंडल द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन आशीष कुंडल ने किया तथा आभार श्वेता कुंडल ने माना। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थी तथा पालक उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा संबोधित करते हुए अटल लैब के संबंध में जानकारी देकर उपस्थित विद्यार्थियों को जानकारी दी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सतवास से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।